सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही तगड़ी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई साहब, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट रिट फोन्स में टॉकबैक को रिप्लेस करने वाला है। तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि सच है झूठ है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसके होने के कितने चांसेस हैं, ना होने के कितने चांसेस हैं। और मैंने काफ़ी सारे लोगों की इस टॉपिक पे वीडियोस देखी हैं एंड मैं भी अपनी राय देना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट इसमें आपको कुछ अलग चीज़ें पता चलेंगी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो, कुछ लोग बोल रहे थे कि कमेंट्री टॉकबैक को रिप्लेस कर दिया, लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं यार, ये अंडरस्टैंड करो कि टॉकबैक स्टार्टिंग से एंड्रॉयड का एक पार्ट है। गूगल कभी ये नहीं चाहेगा कि टॉकबैक को रिमूव किया जाए। सेकंड थिंग, अगर कमेंट्री स्क्रीन रीडर इंटीग्रेटेड आता है फ़ोनों में तो गवर्नमेंट चेक करेगी। इंडिया में तो कैसे भी नहीं आने वाला, बाहर आ जाए तो आ जाए, इंडिया में गवर्नमेंट चेक करेगी। उसमें काफ़ी सारा चाइनीज टेक्स्ट है, अगर वो रिमूव हो जाए और चाइनीज सर्वर्स हट जाए, इंडियन सर्वर्स आ जाए उसमें, तो वो पास हो जाए और शायद आ जाए, वरना तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एंड मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि Xiaomi के फ़ोन्स में ऐसी तैयारी दिखाई जा रही है कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर आने वाला है। तो उन्हें मैं बता दूं कि ये नहीं होने वाला है। रियलमी के फ़ोन में भी अगर आप देखो तो एक विजन टैब होता है जिसमें विजन एड्स आती हैं बहुत सारी, जैसे जो भी आपके पास स्क्रीन रीडर वगैरह है। बस ये है कि उसके मैनिफेस्ट में जो वैल्यू होती है स्क्रीन रीडर है या नहीं है, वो भी अगर आप डिसाइड कर देते हो तो सिस्टम उसी हिसाब से आपको विंडो में वो शो करता है। अब अगर मैं कोई तगड़ा वाला डेवलपर होता तो आपको कोड वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके भी दिखा देता, बट एंड्रॉयड डेवलपर ब्लॉक के हिसाब से ये है कि स्क्रीन रीडर को स्पेसिफाई करना होता है कि वो एक स्क्रीन रीडर है, और नहीं करता है तो फिर वो डाउनलोडेड सर्विसेज में चला जाता है। तो ये बात है, तो कृपया ये ना सोचे कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर बिल्ट इन बन सकता, इंडिया में तो कैसे भी नहीं बनने वाला। अब कुछ उन्होंने ये भी कहा था जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि टॉकबैक की डेवलपमेंट रुक गई है। ये बात सही भी है यार, मतलब कितना ही डेवलप करता है गूगल साल में एक या दो बार, बट मुझे लगता है कि इस बार ये थोड़ा सा चेंज होने वाला है। फर्स्ट गूगल ने अपनी अपडेट स्कीम चेंज करी थी, क्योंकि पहले जब गूगल एंड्रॉयड वर्जन का फर्स्ट डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च करता था उसी टाइम वो टॉकबैक का न्यू बीटा वर्जन रिलीज कर देता था, लेकिन इस बार गूगल ने बीटा 3 आते आते रिलीज़ किया टॉकबैक की न्यू वर्जन। अब आप बोलोगे आर्यन भाई, ये तो चेंज हो सकता है यार, क्या यार ये भी कोई बड़ी बात है। ये बड़ी बात है भाई, बहुत सारे नए फीचर्स आने वाले हैं टॉकबैक में, कि आप आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ कुछ ऐसे भी टॉकबैक हैंडल जेस्चर्स आने वाले हैं, जिससे कुछ जेस्चर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें टॉकबैक हैंडल नहीं करेगा, लाइक 2 finger tap, वो मल्टी फिंगर को ऑफ करने जैसा ही होगा। एंड एक आने वाला है सेकंड, आप चूज कर सकते हो कि कितने सेकंड तक आपको कीबोर्ड की किसी की पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड वो लॉन्ग प्रेस वाली मेन्यू ओपन होगी, सॉरी। और तो मैं ये बोल रहा था कि कीबोर्ड पे अगर आप ये चाहते हो कि आप चेक कर सको, मतलब सेलेक्ट कर सको कि कितनी देर में वो टॉगल होना चाहिए, तो वो आप कर पाओगे। एंड भाई ये एक मिसकंसेप्शन है कि कमेंट्री अभी आएगा फ़ोन में, अभी नहीं, बाद से बाद में भी नहीं आ सकता कमेंट्री।
अंडरस्टैंड यार, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एंड उसे कोई कंपनी पहली बात एक्वायर नहीं करने वाली, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कोई भी एडिट्स कर सकता है। और अगर आपको ना पता हो तो आपको बताऊं, जो कमेंट्री स्क्रीन रीडर है इंटरनली वो भी टॉकबैक के सोर्स कोड पर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है भाई, गूगल एक तो वैसे ही परेशान होगा कमेंट्री से, वो फ़ोन में तो डालने नहीं वाला, तो ये नहीं है। अब एक और बात उन्होंने कही थी, सॉरी अगर बुरा लग रहा हो तो, बट मैं बता रहा हूँ कि वो चाइनीज ऐप होता तो उसे बैन क्यों नहीं किया गया, तो वो प्ले स्टोर पर कभी था ही नहीं जो उसे बैन किया जाता। एंड सर्वर्स अगर बैन होते तो सर्वर्स तो अलग जगह पे भी होस्ट किए जा सकते हैं, ये कभी कभी सर्वर कनेक्शन इश्यूज आते रहते हैं। लाइक अगर पहले लोकल और इंटरनेशनल अलग अलग होते थे ना, तो लोकल में अगर आप रीडिंग मोड खोलते थे तो कुछ टेलीकॉम एरर आ जाता था, जिसका मतलब ये होता था कि आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि लोकल और इंटरनेशनल मर्ज हो चुके हैं, तो बस सीधा तो यही बन रहा है हिसाब कि कमेंट्री नहीं आने वाला है। बट आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मेरे चैनल की तरफ से कमेंट्री स्क्रीन रीडर के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए बता देना, क्योंकि मैं आपको उसमें कमांड्स वगैरह भी थोड़ी एडवांस तरीके वाली क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो बता देना, श्योरली आई विल डू इट। एंड अब बात करते हैं इसके बारे में, बात कर ही लेते हैं कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर सिक्योर है या नहीं। वन वर्ड आंसर, इट्स सिक्योर। जी हाँ, वो सिक्योर है। आपको बताता हूँ कैसे। एक ओपन सोर्स एंटीवायरस कंपनी है जिसने साफ वेरीफाई किया है कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर बिल्कुल सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं करता। और आपको बता दूं कि ये पाया गया है कि उसमें एक भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि यूज़र डेटा को ट्रैक करता हो। इनफैक्ट लोग उसे क्रैक कर करके और उसकी कंपोनेंट्स में छेड़छाड़ करते हैं। बट अगर आप उसका बिल्कुल प्योर ओरिजिनल वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मतलब आप ये कह सको कि ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। उसकी हर एक परमिशन के लिए एक रीज़न होता है, इसका मतलब वो बिल्कुल सिक्योर है। अब आप सोच रहे हो कि भाई दिखाओ तो सही कि फ़ोन में आपके में भी ऐसे आ रहा है। मेरे पास रियलमी का फ़ोन रियलमी GT मास्टर एडिशन एंड्रॉयड 12 चल रहा है, एंड मैं आपको एक्सेसिबिलिटी में जाके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। हाँ यार, विजन टैब है, ठीक है, फिर आपने कोई और स्क्रीन रीडर इंस्टॉल कर ही नहीं रखे होंगे भाई, इसमें एक ही लिस्ट आती होगी, आपको दिखा देता हूँ। और भी जो नॉर्मल सर्विसेज होती है जिनमें स्क्रीन रीडर स्पेसिफाइड नहीं होता, वैसे स्क्रीन रीडर्स कहाँ हैं? जनरल सिलेक्टेड। जनरल में जाते हैं और आप देखते हैं। मैक्रो ड्रॉइड है। स्पील ऑफ। लाइक ये देखो स्पील, ये भी एक स्क्रीन रीडर है लेकिन थोड़ा पुराना स्क्रीन रीडर है ये, तो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि ये स्क्रीन रीडर है। Talkback_TFP, ये कस्टमाइज्ड टॉकबैक है और इसमें भी स्पेसिफाइड नहीं है कि स्क्रीन रीडर है, तो इसीलिए जनरल में आ रहा है। तो अगर आपको विजन टैब में या फिर बिना डाउनलोडेड सर्विसेज में जाए या फिर स्क्रीन रीडर वगैरह दिख जाता है, तो इट डजंट मीन कि कंपनी वाले प्लान कर रहे हैं। कंपनी वाले कितनी भी प्लानिंग कर लें, गूगल के बिना कुछ हो नहीं सकता। सो कुल मिला के बात ये है कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर नहीं आने वाला, लेकिन कमेंट्री स्क्रीन रीडर का यूज़र बेस बहुत बड़ा है, तो भाई लोग फ़ोन लेते ही हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। आजकल तो ऐसा ट्रेंड हुआ है भाई कमेंट्री स्क्रीन रीडर का। तो फिर यही बताना था मेरे को आप कि आपको, बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बता देना।
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत। स्क्रीन ऑफ।